इस वक्त मैं सहवेरी गांव में मौजूद हूं, आपको दिखाता हूं नज़ारा। दरअसल तीन मुख्य वजह आई है जो नोएडा में बिल्डिंग कोलैप्स, बिल्कुल मेरे पीछे यहीं पर बिल्डिंग है, इसकी अगली गली में मैं आया हूं। यहां पर आप नज़ारा देखिए, एक नज़ारा था कि नींव कमज़ोर है, और नींव कमज़ोर क्यों ना हो, ये देखिए पूरा पानी भरा पड़ा है इसके आसपास, और यहाँ पर यहाँ देखिए बिल्डिंग बन रही है, यानी धड़ल्ले से काम चल रहा है वैध रूप से। ये इतनी हाई राइज बिल्डिंग आप देखिए, 21 फ्लोर की बिल्डिंग जो है ये बन रही है बिल्डर्स की, और ये तमाम जो दूसरे छोटे बिल्डर्स हैं उन्होंने बनाई है। सबसे जो मुख्य वजह ये सेप्टिक टैंक था बेसमेंट में, ऐसा सुनने में आ रहा है। साथ साथ जो नींव थी वो कमज़ोर थी, क्योंकि बारिशों का मौसम है, पानी भर जाता है, और इसी तरह से जो जब नींव कमज़ोर होगी और इस पर बिल्डिंग खड़ी होगी और बारिश होती रहेगी, और जाहिर तौर पर आसपास जो मिट्टी जो है वो गीली होगी, तो यही मंजर होगा जो देखने में आया परसों, जिसमें दोनों बिल्डिंग गिर गई, 9 लोग अभी तक जो है मृत हो गए हैं। बहरहाल जाँच ज़रूर की जा रही है, प्रशासन भी लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं यही वजह है सहवेरी गाँव की। अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊँ, ये पानी है, ये बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है यहाँ लगातार अवैध रूप से, और ये हाई राइज बिल्डिंग बड़े बड़े बिल्डर से बना रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा, और इसी वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं।